मॉक फ्यूल फॉर चैंपियंस। नमस्कार, मैं हूँ किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। वक्त हो चला है देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। लखनऊ में इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य आजमी ने ट्रॉमा सेंटर पर पहुंचकर संदीप नाम के शख्स के लिए रक्तदान किया। दरअसल संदीप एक हादसे में जख्मी हो गए थे जिनके ऑपरेशन के लिए खून की जरूरत थी। इसकी जानकारी जैसे ही आजमी को मिली वे तुरंत ही ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और बेझिझक रक्तदान किया। लखनऊ में सेंट्रल एकेडमी लखनऊ स्कूल में टॉपर्स को सम्मानित किया गया। आपको बता दें, इस स्कूल से साक्षी मिश्रा ने 96.4% अंक हासिल किए हैं। अमेठी में महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रज्ञा वाजपेयी और कार्यकर्ताओं ने जगदीशपुर क्षेत्र के रानीगंज में कांग्रेस का जमकर विरोध किया। आपको बता दें, ये सभी सांसद स्मृति ईरानी की बेटी पर लगाए जाने वाले आरोपों से नाराज हैं। अमेठी में थाना पीपरपुर के ग्राम सभा गुडरी के चंदापुर में सैन्य सम्मान के साथ शहीद सत्यनारायण सिंह को अंतिम विदाई दी गई। आपको बता दें, बीते शनिवार गांधीनगर गुजरात में सत्यनारायण सिंह ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से शहीद हो गए थे। अयोध्या में देवा मेमोरियल ऑर्थोपेडिक और आई हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक विधि से घुटने के जोड़ की दूरबीन से होने वाली सर्जरी की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में शहर की कई मशहूर डॉक्टर्स ने शिरकत की। अयोध्या में नीलकंठ मैदान में ड्रीमलैंड प्रदर्शनी और मेले का शुभारंभ किया गया। इस मेले की शुरुआत करने सांसद लल्लू सिंह खुद पहुंचे। बहराइच में नानपारा को जिला बनाने की मांग की कवायद तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक मोहल्ला कायस्थ टोला नानपारा में केशव पांडे की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें मुख्यमंत्री से नानपारा को जिला बनाने की मांग की गई। रामपुर में सर्विलांस और साइबर टीम ने खोए हुए 45 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने सभी के मालिकों का पता लगा के उन्हें उनके फोन सौंप दिए हैं। रामपुर में आजम खान ने सरकार से यात्रा के दौरान मृत होने वाले कांवड़ियों के परिवार के लिए 50 लाख के मुआवजे की मांग की है। आजम खान का कहना है कि ये एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिससे परिवार को आर्थिक मदद मिल पाएगी। रामपुर में जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के साथ मीटिंग की। इस दौरान डीएम ने सख्त निर्देश दिए कि चोरी करने वालों को माफ नहीं करना है। मुरादाबाद में पानी एवं पर्यावरण बचाओ दल लालपुर गंगवारी ने अनोखे अंदाज में पौधारोपण कराया। आपको बता दें, यहां अंबेडकर पार्क, कब्रिस्तान, मरघट और घरों के आंगन में पूर्वजों की याद में 100 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मेरठ में इन्फिनिटी इवेंट ने यूपी फैशन वीक 2 का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में शहर के कई फैशन डिजाइनर्स और मॉडल्स ने शिरकत की। आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। मसल मॉक प्योरिटी पोटेंशियल एंड परफेक्शन फ्यूल फॉर चैंपियंस। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।